गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो उसके अंदर कुछ खास न्यूज़ एक्सट्रैक्ट हुए नहीं। दूसरी न्यूज़ अगर हम देखें तो रेडियो के अंदर चर्चा का विषय के अंतर्गत किसानों की समस्या के ऊपर बात की गई है तो उसके बारे में बात करेंगे। साइंस मॉनिटर के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में और एक दो बातें और करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में। ये 4 times हो रहा है, ये इस बार जो हो रहा है 2018 में हमारा ये चौथा है, 4th time। मतलब 2015 में ये स्टार्ट हुआ था, ये इसमें एक दो इस बार जो हो रहा है ये लखनऊ में हो रहा है और इसकी थीम है साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब परिवर्तन, समय के अनुसार परिवर्तन, ये है इसका। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अब ध्यान रखना है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक मिनिस्ट्री और अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और विभा BIBHA विज्ञान भारती, इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर इसकी बात करें थोड़ा सा इसका, क्योंकि अभी 4 साल ही हुए हैं, तो पहला कॉन्फ्रेंस 2015 में दिल्ली में IIT कॉलेज के अंदर हुआ था, दूसरा कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ही हुआ था, तीसरा चेन्नई में हुआ था, अभी लेटेस्ट ये हमारा हो रहा है यहाँ पे लखनऊ में। अगर इसके बारे में और एक दो बातें करें तो इसके बारे में बात करने में साइंटिस्ट लोग जो है इसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि आज के यंगस्टर्स को, आज के बच्चों को साइंस के बारे में जागरूक कराना ताकि वो समझ सके। अच्छा, जितने भी हम लोगों ने आजकल एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़े हैं, स्पेस सेक्टर में आगे बढ़े हैं, हमारा IT सेक्टर इतना मजबूत है, किसके बल पे बढ़े हैं? बिकॉज ऑफ आवर इंडियन साइंटिस्ट। हमने खुद ने रिसर्च किया है। हाँ, एक समस्या इसके अंदर ज़रूर है, जो महिलाएं हैं, जो वुमेंस हैं, उनकी भागीदारी थोड़ी कम जरूर है इसके अंदर। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कारण ये है कि एक तो सामाजिक कारण हो जाता है, जैसे शादी होगी किसी लड़की की, शादी होने के बाद जो है सो उनको अप्रोप्रिएट वे नहीं मिल पाता है, रास्ता नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है, घर में बैठा रहना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो इनको दूर करके हमें आगे निकलना होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप वर्ल्ड के लेवल पे अभी हम लोग देखें तो अभी नोबेल मिल रहा है। नोबेल बहुत सारे मेल को ही डोमिनेट करते हैं, फीमेल बहुत कम होते हैं। इस बार दो लेडी है इस बार, लेकिन फीमेल बहुत कम है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अट्रैक्ट करने की आवश्यकता। इसमें एक और ख़ास बात क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बच्चों को शामिल किया गया है, करीब 200 बच्चों को। तो ये नॉर्थ ईस्ट में चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी दिक्कत है, वहाँ की डेमोग्राफी इस तरह की नहीं है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए ताकि वो भी साइंस को देखकर समझ सके। साइंस पढ़ाने से नहीं होने वाला है, हम जो क्लासेज में हम लोगों को जो साइंस पढ़ाया गया है, आप लोगों को पढ़ाया गया है, सबको पढ़ाया जाता है, उसको रोचक बनाना होगा, साइंस पढ़ाने उसको दिखाना होगा, प्रैक्टिकली दिखाना होगा, तब जा करके बढ़ेगा। हमारे जो 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, 115 जो है, इनको भी शामिल किया गया है इस इंटरनेशनल फेस्टिवल के अंदर। अगली न्यूज़ रेडियो के अंदर चर्चा का विषय है के अंतर्गत बात करेंगे किसानों की समस्या और समाधान, किसानों के बारे में। अभी रवि के फसल के लिए हमारी सरकार ने MSP डिक्लेयर किया है रवि की फसल के लिए, वो तो मुद्दा है ही, लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है हमारा, कुछ भारतीय किसान यूनियन आए और कुछ डिमांड रखे दिल्ली में, बात की गई, इन्होंने डिमांड क्या क्या रखा, जरा इसको देखते हैं। फसल बीमा योजना जो गवर्नमेंट ने शुरू कर रखा है फसल को प्रोक्योर करने के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अनुसार इनको सही से मुआवजा नहीं मिल पाता है, तो इसको और लिबरल करने के लिए इन्होंने बात कही। असल में एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट को बेसिकली देखना पड़ता है, इन्होंने कहा। दूसरा मुद्दा ये, अभी कुछ दिन पहले NGT ने कहा कि 10 साल से जो पुराने ट्रैक्टर हो गए हैं उनको आप हटाइए, तो इनके ऊपर भी इन्होंने मुद्दा रखा। और साइड सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, देखो ट्रैक्टर्स हैं, अब ट्रैक्टर्स हैं तो ट्रैक्टर के टायर के ऊपर जो है सो टैक्स लगता है, मतलब GST लगता है, वही टैक्स। तो GST अगर 18% के दायरे में आएगा तो ट्रैक्टर्स की रेट महंगी होगी, तो इन किसानों ने, इन यूनियन ने कहा कि इसके टायर का जो GST है उसको कम कीजिए, तो ये 5% की बात हो रही है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप इनको लिख करके अच्छा बना सकते हो।
बुजुर्ग जो बुजुर्ग किसान हैं, जो एजेड किसान हैं, उनको जो है सो पेंशन देने की बात की जा रही है। राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर बात काम करना चाहिए। 90 दिन एमएसपी पे होता क्या है कि एमएसपी सरकार मान लो अभी डिक्लेयर कर दिया, अब फसल आएगी तो कुछ टाइम पीरियड होता है 2 महीने 3 महीने का, उसके बाद वो सरकार उस एमएसपी पे वो सामान नहीं लेगी। तो यहाँ पे 90 दिन से मतलब 3 महीने से अधिक बढ़ानी जरूरी है इसको, ताकि कुछ किसान को पता भी तो नहीं हो पाता है, लेट होते हैं कभी फसल, मौसम के कारण भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि फसल तुरंत तो तैयार होता नहीं है कोई किसान। अब दूसरा क्या है कि कोई किसान अगर मान लो कोई गेहूँ उपजाता है या धान उपजाता है या कोई भी अनाज उपजाता है अपने खेत में, तो सीड्स खरीदता है, पानी खरीदना पड़ता है कुछ किसानों को, सबको पानी डालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी तो चलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी भरने पड़ेंगे। कोई किसान जानबूझकर अपने खर्चे को, इनपुट को थोड़े ही ना बढ़ाएगा, कोई नहीं बढ़ाना चाहता है, तो इसको देखने वाली बात है। हाँ, ये बात जोर है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले इसको लागू किया था कि जो बंदा एमएसपी से नीचे लेगा रेट, उसको जो है सो सजा हो सकती है। तो ये स्टेट की एक अच्छी पहल है। 2022 तक हमारे सरकार का जो दोगुना करने का लक्ष्य है, उसमें सरकार को बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगे। देखो, इसको हम थोड़ा सा एक मिनट बाद डिस्कस करेंगे, जरा सा हम स्वामीनाथन रिपोर्ट की 2-3 बातें देख लें। A2 एक स्वामीनाथन रिपोर्ट का फॉर्मूला है। स्वामीनाथन कमेटी कवर्ड ऑल टाइप्स ऑफ कैश एक्सपेंडिचर अंडर द A2 टू जनरेट द क्रॉप इन 8 थिंग लाइक सीड्स। सीड्स को इसके अंदर कवर किया जाएगा, मैन्यूर को, केमिकल्स को, लेबर कॉस्ट को, फ्यूल को, इरिगेशन कॉस्ट को, ये सारी बातें A2 के अंदर आएंगी। दूसरी बातें FL होता है, FL ये भी फार्मूला निकालने का तरीका है। द स्वामीनाथन कमेटी एडेड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क, काम करने का खर्च, टोटल मेंबर्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, मतलब एक फैमिली में मान लो 4-5 लोग हैं तो सबके सब, उनका बच्चे भी, उनके वाइफ हस्बैंड, सभी लोग सब के सब एक ही लैंड पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये FL के अंदर आएगा। C2 के अंदर एस्टिमेटेड लैंड रेंट, कुछ लोगों का जमीन अपना खुद का नहीं होता है, वो क्या करते हैं रेंट पे ले लेते हैं, बटाई बोलते हैं उसको, बटाईदार टाइप का एक टर्म होता है अपने यहाँ। द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का खर्च जो कितना है, मनी टेकन बाय फार्मिंग व्हेन एडेड टू A2 एंड FL, ये 3 टर्म स्वामीनाथन ने दिया था, तो इसी को इम्प्लीमेंट करने की, ये सही से इम्प्लीमेंट, देखो बातें तो सारी सरकार करती हैं, सब लोग करती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हो तब तो, लेकिन इस सरकार की पहल जरूर अच्छी है, जरूर है कि ये जो है सो आगे लेकर इसको जाए। एक और टर्म है, आप सजेशंस के अंदर इसको यूज कर सकते हो, कमिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स बनाया जाए जिसमें किसानों का भी नेतृत्व हो, ताकि किसान जो है सो अपनी समस्या को पूरी तरह से बता सके कि भैया ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो ये आर्टिकल, इस आर्टिकल को आप फार्मर्स के कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हो। दूसरा, लोन की भी बात की गई है इसके अंदर, किसानों की कर्ज माफ़ी की भी बात की गई है। अब ये तो समय के अनुसार पता चलेगा, देखते हैं, कभी कभार ये पॉजिटिव हुए भी हो सकता है कर्ज माफ़ी, निगेटिव भी हो सकता है। देखो पॉजिटिव कैसे होगा, पॉजिटिव होगा मान लो कोई डिसास्टर आ गया किसी इलाके में, तो वाकई इस किसान को दिक्कत हो जाएगा, लेकिन कभी कभार कुछ किसान जो है सो सही मायने में इसको यूज नहीं करते हैं और सरकार के ऊपर बर्डन चला जाता है, तो इसमें लेकुनाज भी बहुत सारी हैं, वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। आज के न्यूज़ में इतना ही था, थैंक यू।